नहीं, अभी उन्होंने बोल दिया है तो हमें चेंज कर दिया, हम रूल से हमने अबाइड किया, आर्ग्यू नहीं किया, हमारे पास ज़्यादा वक्त भी नहीं था। बस इस बात की दिक्कत थी कि लास्ट मिनट पे 7 दिन पहले उन्होंने टाइटल चेंज किया था, अप्रूव किया था टाइटल जब प्रोमोज आ रहे थे, अभी फिल्म देखने के बाद एक तरह से ये प्रॉब्लम हो गई है। मुझे ये थोड़ी बात पूरी क्रू को एक तरह से खटकी, क्योंकि क्या है कि अब फिल्म रिलीज़ होने वाली है, आप जो काम कर रहे हैं फिल्म पर काम कर रहे हैं, रिलीज़ पर काम कर रहे हैं, अभी हम लोग टाइटल चेंज कर रहे हैं, यू बाय डाल रहे हैं, तो ये बस ये प्रॉब्लम होगी। और अभी है तो है, मुझे उनको लगा कि ये नेगेटिव टाइटल है चीट इंडिया, तो उन्होंने वाई डाल दी, उनको लगा कि इससे थोड़ा पॉजिटिविटी आ जाएगा, लेकिन आपको ऑडियंस को इतना देना चाहिए ना कि वो समझदार हैं, फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ को देख रहे हैं। चीटिंग माफिया हमारे देश को चीट कर रही है, इसलिए टाइटल चीट इंडिया है, तो चीट इंडिया ही होगा ना। चीटिंग माफिया थोड़ी बोलेगी वाई चीट इंडिया, दे आर चीटिंग इंडिया, इसलिए तो टाइटल चीट इंडिया है। तो हम बस सिस्टम को बदल देना तो बहुत अच्छा है, हम सिर्फ टाइटल चेंज करते हैं यहाँ, बस सिस्टम में बदलाव आ जाए ना, इसकी तरफ कोई काम कर ले तो पूरा हमारा सब कुछ साफ हो जाएगा हमारे देश में। टाइटल चेंज करना बहुत आसान होता है, इससे फाइनेंशियल क्राइसिस भी होते होंगे ना, क्योंकि जरूर यकीनन इमरान हाशमी फिल्म्स जरूर जरूर नहीं, इसमें डेफिनेटली फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी आया है, जहाँ पे लास्ट मिनट हमें बदलना पड़ा है टाइटल, और इतनी जल्दी नहीं होता है, ओवरनाइट हमें चेंज करना पड़ा 7 दिन पहले रिलीज से। हमने एनीवेज रिलीज प्रीपोन कर ली थी, 18 जनवरी को आ रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा प्रेशर आ गया था पूरे क्रू पे। इमरान, जब आपने अपना होम प्रोडक्शन चालू किया, इस तरह की फिल्म क्यों सोची और ये जहन में कैसे, क्या आपने ऐसा खुद व्यक्तिगत तौर पे नोटिस किया है कि इस तरह से होता चला और हम सब देखते चले? हाँ, मैंने देखा। और ये इस तरह के सब्जेक्ट को क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल आपकी इमेज से मुख्तलिफ, जी जी बिल्कुल जुदा है, ऐसा हमने देखा ही नहीं। जी नहीं, इमरान की बात, मैं प्रोडक्शन में कदम लेना चाहता था 4 साल पहले, लेकिन स्क्रिप्ट मुझे नहीं मिल रही थी। जब मुझे ये स्क्रिप्ट मिली और स्टोरी आइडिया था, तो मुझे लगा ये कितनी रेलेवेंट फिल्म है। मैं स्कूल में कुछ चीज़ें सीख चुका हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसे मैंने नहीं सीखी हैं, अल्टीमेटली मैंने अपने जॉब पे सीखी हैं। और ये रट्टा मारने का सिस्टम हो, कॉलेजेस में जो टीचर्स हैं डिसइंटरेस्टेड रहते हैं, क्वालिफाइड नहीं हैं, फिर यूनिवर्सिटीज़ में सीटें नहीं होती हैं, सिर्फ 1000 सीटें हैं, लाखों की तादाद से बच्चे स्कूल और ये यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। फिर चीटिंग माफिया के बारे में मुझे पता था, लेकिन इतना नहीं पता था कि इतना ऑर्गेनाइज क्राइम है ये, हर स्टेट में इतना ऑर्गेनाइज हो गया है कि आप देख लो ना, 60% तो आपके रिजर्वेशन कोटा में चला गया है, अभी बाकी की जो 40% है उसमें आप अगर इतने अनडिजर्विंग स्टूडेंट्स को आप फेक डिग्रियाँ मिल जाएंगी तो डिजर्विंग स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोई इस पर एक फिल्म बनाए और ये पेश करे ऑडियंस को, ताकि लोगों को पता चले कि इतना बड़ा खुलासा ये होता है हमारे सिस्टम में, और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे बच्चों का दिमाग है उसकी परवरिश नहीं हो रही है, उसको नर्चर नहीं किया जा रहा है। श्री, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरी फिल्म के बारे में, और यू नो कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आई बिलीव यू विल बी प्लेइंग द लव इंटरेस्ट ऑफ इमरान। यस, हां जी। वो कितना इंपॉर्टेंट होता है किरदार, दूसरे किरदार को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि सब कुछ इतना इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है, कंटेंट इतना इंपॉर्टेंट है, आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा? मैं एक्चुअली जब 4 साल की थी तब से मैं एक्टिंग कर रही हूँ, तो ये सब मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, ये कैरेक्टर क्रिएट करना और स्टोरी में हेल्प करना, वो डेवलप कैसे होता है, ऐसे किस डायरेक्शन पे जा सकते हैं, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। तो ये सब चीज़ें बहुत आसान है, तो जब आसान है मीनिंग, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये सब करने के लिए, पर इन टर्म्स ऑफ द लव सपोर्ट, इट्स अ पार्ट ऑफ द स्टोरी, सिर्फ वही एंगल है कि नहीं मैं बता नहीं सकती हूँ, पर इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, तो अब देखिएगा जरूर। मैं टैक्स फ्री को लेकर भी आपकी बातचीत चल रही है, वो कहाँ तक पहुँची है बात, और देखिए फिर डेट भी आगे पीछे हो चुकी है, उद्धव जी और आदित्य आपसे मिले, क्या उनसे भी आप बात करने वाले हैं टैक्स फ्री के सिलसिले में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है अगर हम एजुकेशन के लिहाज से देखें। नहीं, ऑफकोर्स टैक्स फ्री जाएंगे, और जब इनिशियली हमने कहा था तो लोगों ने बोला अच्छा चीट इंडिया जैसे टाइटल है, टैक्स फ्री अभी कैसे मिलेगा, इसको नेगेटिव चीज़ है, लेकिन इस नेगेटिविटी को एक तरह जब हम पेश कर रहे हैं, इस चीज़ का खुलासा हो रहा है, और इस एक तरह से सिस्टम को मदद मिलेगी, लोगों को मदद मिलेगी कि पहले तो पता चले कि हम इससे आंखें नहीं घुमा सकते हैं, ये चीज़ हो रही है, मुंह नहीं फेर सकते हैं कि ऐसा हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द ये गवर्नमेंट देखे और इसे टैक्स फ्री कर दे, और ताकि और लोग भी देखें इस चीज़ को, जाने कि ऐसा हो रहा है हमारे सिस्टम में, एक पूरा ओवरहॉल रेवोल्यूशन लेके आना बहुत ज़रूरी है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, और तभी हमारा देश कहीं यू नो
उन ऊंचाइयों को छुएगा, बहुत जरूरी है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, यू नो, कि सब कुछ हो रहा है फिर भी लोग चुप है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। देखिए, पहले तो ये जो स्पेंड्स है ना इस सेक्टर में, फॉरगेट अबाउट चीटिंग माफिया, ये जो स्पेंड्स है एजुकेशन में बहुत कम है। हमारे देश में सिर्फ 2.8% ऑफ द GDP स्पेंड किया जाता है, तो जो कुछ नहीं है। कोई भी इकोनॉमी जिन्होंने एजुकेशन में कुछ किया है, बदलाव लेके आए हैं, वो एटलीस्ट 7-8% तक लेके गए हमने GDP को। इस स्पेंड से कुछ नहीं होता। हम इतना खर्च कर देते हैं डिफेंस पे, हम हर साल तो जंग नहीं लड़ते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि डिफेंस पे खर्चा नहीं करना चाहिए, लेकिन एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जो हमारा बेस है। जब तक ये हमारे जो आवाम है, जो हमारी यूथ है, उनको ठीक तरह से हम एजुकेशन ही देंगे, तो वो आगे जाके फ्यूचर में किस तरह काम करेंगे। पहले तो नौकरियां नहीं है, तो ये एक पूरा एक तरह से ओवरहॉल इसका लेके आना बहुत ज़रूरी है। और चीटिंग माफिया को तो ऑफकोर्स बहुत सारी चीज़ें हैंड इन ग्लव होती हैं, पैसे कमाने का ज़रिया, बहुत सारा करप्शन है, और इस पर कभी ना तो क्रैकडाउन हुआ है। आप देख लीजिए ना, बिहार में जो इमेजेस थे आपने देखे होंगे 2015 में, वो जो 5-story बिल्डिंग थी जहाँ पेरेंट्स चढ़ के बच्चों को दे रहे हैं मार्कशीट खिड़कियों से, पुलिस नीचे खड़ी है, कुछ नहीं कर रही है, बोल रहे हैं कि हज़ारों पेरेंट्स हैं, हम तो सिर्फ यहाँ पे 100 लोग हैं, हम क्या करेंगे। ये चलता ही एटीट्यूड है जिसकी वजह से कुछ हो नहीं रहा है। नहीं, थोड़ी लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं। आई थिंक फिल्म से कोई मैच्योर नहीं होता, लाइफ एक्सपीरियंसेस से होता है। फिल्मों से भी, काम करने से भी होता है, लेकिन आई थिंक एक उम्र भी होती है, और जो 5-6 साल में जो प्रोफेशनल पर्सनल एक्सपीरियंस से गुजर चुका हूँ, उससे थोड़ी मैच्योरिटी आ गई। किरदार को लेकर इमरान ने आपकी बात करूँ, क्या आपने ऐसा किरदार पे काम किया जो आपको पिछली इमेजों से बिल्कुल अलग रखे, बिल्कुल अलग नजर आता है आपका लुक हो, आपका कॉस्ट्यूम हो, सब कुछ बहुत मुख्तलिफ नजर आता है, लेकिन आपने अपनी तरफ से क्या देने की कोशिश करी कि ये लगे नहीं दिस इज व्हाट इमरान है? आई थिंक कुछ मेरा था, कुछ हमारे जो लुक्स जिन्होंने डिसाइड किया था, स्टाइलिस्ट, मेकअप, हेयर, हमारे डायरेक्टर, कॉस्ट्यूम, इन सब का हाथ है। ऑफ कोर्स एक विजन था डायरेक्टर का, जिस तरह वो राकेश को पेश करना चाहते थे, तो बहुत सारे डिस्कशंस थे। अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये जितना टेढ़ा आदमी है वैसा दिखता नहीं है, ये ऑन फेस वैल्यू जिस तरह इसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत शरीफ दिखता है, और अदब से नमस्ते कहता है, एक रिस्पेक्ट करता है यू नो एल्डर्स की, फिर सुबह में उठ के वो पूजा पाठ करता है, लेकिन उसका एक डिवियस माइंड है जहाँ पे वो खुद एक्चुअली ये ग्रे कैरेक्टर, ये ना अच्छा है ना बुरा है, ये आई थिंक हर ह्यूमन पर्सनैलिटी से कहीं ये मिलता जुलता है। वो कहता है कि अगर सिस्टम कह रहा है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, इन बच्चों को फेक डिग्रियाँ दे रहा हूँ, मेरे वजह से तो कोई बच्चा सुसाइड कमिट नहीं कर रहा है, आपके सिस्टम की वजह से लोग सुसाइड कमिट कर रहे हैं, तो यहाँ कौन गलत है? आप उन बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रहे हो, वो सुसाइड कमिट कर रहे हैं, फिर आप मुझे बोल रहे हो। मैं तो उनको एटलीस्ट एक जगह दे रहा हूँ सिस्टम में, उनको जगह मिलने नहीं वाली थी, उनको सीटें नहीं मिलने वाली थी, नौकरियाँ नहीं मिलने वाली थी, मैं तो एटलीस्ट उनको एवेन्यू दे रहा हूँ। तो इसकी फिलॉसफी बहुत अलग है, तो आपको पूरे फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा जानने के लिए कि राकेश क्या है। इस तरह की फिल्म करना, बहुत सेंसिटिव मुद्दे पर फिल्म करना, और जिसपे एक दो फिल्में आ भी चुकी हैं, प्लीज मेक मी करेक्ट, मैं रॉन्ग समझा, इट इज अ चैलेंज और अ रिस्क? इट्स अ बिट ऑफ अ चैलेंज एंड अ बिट ऑफ अ रिस्क। रिस्क तब होता है जब आपका कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होता है फिल्म के लिए। हमारी फिल्म इंडस्ट्री हमेशा रिस्की फिल्मों को रेजिस्ट करती है, ये पहले बना नहीं है तो मत बनाओ, इसमें कौन आके देखेगा। लेकिन मेरे करियर में सिर्फ रिस्क ने एक तरह से मेरे लिए फ़ायदेमंद हुए हैं, तो मुझे लगा कि एजुकेशन सेक्टर पे कुछ फिल्में बनी है लेकिन इस तरह नहीं बनी है, क्योंकि दूसरी फिल्मों का क्या है मोटो, वो ये है कि आप पढ़ो लिखो, आपका स्किल सेट होगा तो आप उन्नति कर सक, आपको प्रोग्रेस होगी इस देश में, लेकिन द फैक्ट इज़ नहीं होगी, क्योंकि आप पढ़ लिख भी लोगे, सिस्टम आपको जगह नहीं दे रही है। तो ये तो फंडामेंटल प्रॉब्लम है, हम इस चीज़ से मुँह फेर रहे हैं, तो यही चीज़ चीट इंडिया है। तो ये अनकम्फर्टेबल ट्रूथ्स है ना हमारे सिस्टम में, वो ये फिल्म एक तरह से उसको दिखा रही है। और रिस्क तो अभी रिलीज से पहले होगा, जब रिस्क, जब फिल्म चल जाती है तो फिर वो रिस्क पेज ऑफ, फिर वो रिस्क नहीं रहता है। अब इस तरह की फिल्म में एक लव इंटरेस्ट दिखाना, ये कितना जरूरी था? स्टोरी की डिमांड थी, श्री आई वांट टू टेक इट ऑन अ पॉजिटिव नोट। नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि या तो नहीं तो फिर एक डॉक्यूमेंट्री बन जाती ना, तो फिर डॉक्यूमेंट्री से 1000 लोग आके देखते हैं,
फिल्म को पॉपुलर बनाने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो करनी पड़ती हैं. यू हैव टू प्ले बाय द रूल्स इन दैट बॉक्स, लाइक इट और नॉट. लेकिन इस फिल्म से कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है. लव स्टोरी इज़ एन एसेंशियल पार्ट. जब आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि ठीक है एजुकेशन सिस्टम की फिल्म में लव स्टोरी डाल दिए, क्या कर दिया. फिल्म के दो घंटे के आप जब आप देखोगे तो आपको लगेगा यार इट नीडेड इट, इट नीडेड द लव स्टोरीज. और वो गाने तो ऑफकोर्स हमारे कल्चर के साथ अगर फिल्म में गाने नहीं होते तो पॉपुलर नहीं होती है. और मेरी फिल्म में तो गाने तो नहीं होने, तो वो नहीं है. लेकिन लव स्टोरी का एक बहुत बड़ा एम्फेसिस है फिल्म में. और एजुकेशन सिस्टम में जिस तरह हमने पेश किया है वो बहुत एक तरह से नए तरीके से पेश किया है. आपने बहुत कम बताया, और पूछो भी आपसे बहुत कम. जैसे इमरान ने कहा कि बहुत अहम किरदार. हाँ अहम तो है, पर बहुत सारी चीज़ें जो है फिल्म में आपको पता चलेगा कि क्यों है फिल्म में जब आप देखेंगे. ऐसे आउटराइट हम कुछ बता नहीं सकते, पर जब आप देखेंगे आपको पता. आपने एक बड़ा सा इंटरेस्टिंग पैरेलल लिया था एक दूसरे फिल्म के लिए. आई कैन सी योर पॉइंट, बट या दिस इज थोड़ा डिफरेंट. ही ड्रू द पैरेलल दैट इट वाज अ लॉट लाइक उर्मिला'स रोल इन सत्या. Where you don't see much of her, but then you find she has an important role. Yeah. And I said that was very interesting. No, of course. I think काफी सारी चीजें हमने प्रोमोस में रिवील नहीं की हैं. क्या होता है ना, कभी कभी आप ओवर रिवील कर लेते हो प्रोमोज में तो फिल्म का इम्पैक्ट निकल जाता है. तो ये एक रेवलेशन है. बहुत सारी दूसरी चीज़ें जो हमने चीटिंग के तरीके भी दिखाए हैं, जिस तरह इम्पर्सनेट होते हैं, वो सब नहीं दिखाया. क्या होता है ना, कभी कभी वो हो जाता है कि सबसे अच्छे शॉट्स आपने प्रोमो में डाल दिए, फिल्म में तो कुछ है ही नहीं. तो हम चाहते हैं कि लोग सिनेमाघर में आए और डिस्कवर द फिल्म एंड डिस्कवर द कैरेक्टर्स एंड डिस्कवर द लव स्टोरी. यस, फिल्म क्योंकि इमरान हाशमी फिल्म्स आपने शुरुआत की है, ये कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? क्योंकि आप हमेशा फ्रंट द कैमरा रहे हैं, बिहाइंड द कैमरा, और जहाँ फाइनेंशियली भी आप खड़े हैं, तो वो कितना चैलेंजिंग रहा? और खासकर उस बात को लेकर कितना दुख होता है कि प्रोड्यूसर को कितना नुकसान होता है जब अचानक कोई रुक के बोलता है भैया इसका राम चेंज. हाँ वो तो वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट इज़ पार्ट ऑफ द प्रोफेशन. ये बहुत ज़रूरी है. ये सारी चीज़ें ऑन सेट लोकेशन होती हैं, फिर पोस्ट प्रोडक्शन या प्री प्रोडक्शन में भी होती हैं. बट फॉर मी प्रोडक्शन एक तरह से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ पे पूरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आपका हाथ होता है. ना कि आप सिर्फ सेट पे आके सिर्फ एक्टिंग करते हो या मार्केटिंग करते हो, उसमें एक तरह से लिमिटेड एक्सपीरियंस होता है आपका. मैं चाहता था कि कहीं मैं पूरे प्रोजेक्ट को एक तरह से ओवरसी करूं, लेकिन इतना प्रेशर नहीं था क्योंकि मेरे इस फिल्म में पार्टनर्स भी हैं, टी सीरीज एंड एलिप्सिस, तो वो काम थोड़ा बढ़ गया. बट आई प्लेड द रोल ऑफ द प्रोड्यूसर. पहली फिल्म में अगर मैं एक्टर प्रोड्यूसर होता, सोल प्रोड्यूसर, तो मैं पागल हो जाता. बट इसमें आई थिंक इट्स बिन काइंड ऑफ अ फन एक्सपीरियंस. नहीं, डायरेक्शन नहीं. डायरेक्शन के लिए बहुत काम करना पड़ता है. एज अ प्रोड्यूसर एटलीस्ट आप यू नो आप ऑफिस में बैठ के डिसीजन ले सकते हो. डायरेक्शन के लिए मुझे एक्टिंग एक तो छोड़नी पड़ेगी, स्क्रिप्ट लिख पे काम करना पड़ेगा, पूरा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा. बिकॉज द डायरेक्टर इज अ कैप्टन ऑफ द शिप. यू कांट डिसकनेक्ट फ्रॉम द फिल्म एट ऑल. पहले तो वो राइटिंग प्रोसेस में, फिर डायरेक्शन, फिर एडिटिंग, बैकग्राउंड, वो बहुत लंबा एक कमिटमेंट है जो अभी मैं लेने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ. एक्चुअली हम एक पैनल पे थे दो दिन पहले विद एजुकेशन एक्सपर्ट्स जो CBSE और NCERT के हेड रहे, और एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट और अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के हेड है डायरेक्टर. तो वी वर विद देम, दे ऑल कंग्रेचुलेटेड अस, और उन्होंने बताया कि ये बहुत रेलिवेंट और नेसेसरी टॉपिक है, एंड इट इज़ अबाउट टाइम दैट इंडियन सिनेमा डिड समथिंग ऑन दिस. सो आई थॉट दैट वाज अ वेरी 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 हंबलिंग थिंग टू हियर. नहीं, आई मीन ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों से वो एक कॉम्प्लीमेंट्स आए कि जो इंटेंट है इस आपकी फिल्म का, इट्स गॉट इज हार्ट इन द राइट प्लेस, और आप जो कर रहे हैं एक लार्जर बेनिफिट के लिए कर रहे हैं. इस चीज़ का खुलासा जो लोगों ने स्क्रीन पे हमने, अब क्या होता है ना कि हम शुगर कोट करते हैं चीज़ों को स्क्रीन पे, और उसमें कहीं ठीक है एंटरटेनमेंट क्वेश्चन होता है, लेकिन इट्स नॉट लार्जर देन दैट. देयर इज नो इंटेंशन बिहाइंड द फिल्म. बस वही होता है कि बॉक्स ऑफिस नंबर्स आ जाएं. बट इसमें सिर्फ वो नहीं है. आई थिंक एक कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाए, फिर एक रेवोल्यूशन बाद में आ जाए एजुकेशन सिस्टम में. बस यही मेरी दुआ है. ओके, समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स. फिल्म मेकिंग, अगर मैं एक्टिंग की बात करूँ, बहुत सारे स्कूल हैं जब मैं एक्टिंग की बात करता हूँ इंडिया में, लेकिन प्रोडक्शन सिखाने के लिए कोई स्कूल नहीं है या कोई इंस्टीट्यूट नहीं है. इमरान क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर?
आई थिंक होना चाहिए, ऑफकोर्स होना चाहिए. आई थिंक एक इस तरह का करिकुलम होना चाहिए एक्टिंग स्कूल में, जहाँ पे आप हर डिपार्टमेंट में काम करते हो, फिर आप चूज़ कर सकते हो आपको क्या करना है. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आई थिंक, जिन लोगों से भी मैंने बात की है प्रोडक्शन में, डायरेक्शन में, जो एक फेज़ होता है जब आप काम कर रहे हैं, और आप भी इस चीज़ से शायद जब जर्नलिस्ट थे, तो शुरुआत में अप्रेंटिस जब होते हैं ना, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज़. एजुकेशन तो एक चीज़ होती है जहाँ पे आपको थियोरेटिकली या प्रैक्टिकली चीज़ करिकुलम आपको सिखाती है, लेकिन वो अप्रेंटिस का जो जॉब है वो आपको बहुत सिखा के जाता है. वो आप फ्री के लिए भी करो ना, तो आपको उससे बेनिफिट मिलेगा. अगर आप किसी प्रोडक्शन कंपनी के लिए आप फ्री काम कर लो और आप एक साल में या दो साल में एक्सपीरियंस ले लो, उससे बहुत फ़ायदा होता है. बट करिकुलम में लेके आना बहुत ज़रूरी है. जो भी है, जो भी ड्रामा के स्कूल्स हैं हमारे देश में, वो लेके आना बहुत ज़रूरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, द फिल्म इज रिलीजिंग ऑन 18th ऑफ जैन. इट इज़ अबाउट द एजुकेशन सिस्टम, हमारे बहुत ही खोखले एजुकेशन सिस्टम के बारे में है, जो इसमें एक रेवोल्यूशन लेके आना बहुत ज़रूरी है. चीटिंग माफिया किस तरह काम करती है हमारे देश में, ये जो हमारा बेस है ये बहुत ही खोखला है. और हमने पूरी चीज़ पेश की है, पूरी चीज़ का खुलासा किया है चीट इंडिया में. पेरेंट्स के लिए हैं, अगर आपके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं उनके लिए हैं. आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, चीटिंग कैसे होती है. और जब सिस्टम आपसे कहती है कि अगर आप मेहनत करोगे तो आपको मेरिट मिलेगा, ये झूठ है, ये सच्ची बात नहीं है. तो इन सब चीज़ों का खुलासा हमने अपनी फिल्म में दिखाया. सेम जो इन्होंने बताया है, आर फिल्म इज रिलीजिंग ऑन द 18th ऑफ जनवरी. और हम आशा करते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने टीचर्स के साथ, इफ़ पॉसिबल प्लीज़ आके देखिए फिल्म. इट विल बी अ वेरी एंटरटेनिंग एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म एट द वेरी लीस्ट. थैंक यू.